हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश, तो साइंस में जिस भी कंपटीशन में पूछा जाता है साइंस यानी फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रश्न, तो प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने देखिए प्रीवियस ईयर के यानी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है, 10 प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। इसके बाद आगे 12 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न। तो आज का ये प्रश्न, पहला प्रश्न ये आपके सामने है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्लियर दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेमी है के द्वारा वस्तु के आकार के 1/5 भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होगी। अब देखिए ध्यान से समझिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जो भी दिया रहे पहले उसको हम लोग लिखते हैं ना। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे फोकस दूरी उत्तल दर्पण की यानी एफ बराबर लिखेंगे 30 सेमी। अब चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये प्लस में ही होगा, तो ये प्लस में कर लीजिए। अब के द्वारा वस्तु के आकार के 1/5 भाग के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब यम का मान जो है वो 1/5 हो गया। अब ये देखिए कह रहे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। अब देखिए ये उत्तल दर्पण है आपका, क्या है, उत्तल दर्पण है। अब अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, याद है ना, ये देखिए समांतर आएगी तो ये फोकस से सीधे जाएगी इधर, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र वाला ऐसे सीधे निकलता है कुछ, तो आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी छोटा सीधा प्रतिबिंब बन जाता है। तो सीधा जब बनता है तो यम का मान हम लोग प्लस में लिखते हैं, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्लस होता है, इसलिए यम का मान प्लस में ही लिखेंगे। तो फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए रटना नहीं है भाई, हमको अच्छे से समझ के लिखना हर बातें। आगे दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u का मान हमको निकालना है जी, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, पहले लिखेंगे m इज इक्वल टू 5, सूत्र क्या होता है, -v/u, m का मान हो गया 1/5। अब यहाँ लिखेंगे v/u, ये तो निकालना ही, चलिए ऐसे लिख देते हैं। अब ये गुणा करेंगे तो यू का गुणा 1 में यू हो गया, यहाँ गुणा कर लिए -5v। अब देखिए u मिल गया v के रूप में, f दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि निकालेंगे मान जो भी मिल जाए। देखिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाइए, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक। अब रखिए भाई इसमें 1/f का मान यहाँ हम लिखेंगे 30 बराबर 1/v, वी कितना है, वी वैसे ही रहने दीजिए, प्लस 1/u की जगह लिखेंगे -5v। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आया 5v, अब वी से भाग दीजिए 5 बचा, माइनस लगाइए इससे भाग देंगे एक बार जाएगा, एक लिख लीजिए। अब ये आपका आ गया 1/30 बराबर कितना, ये 4/5v, वी का 5v का गुणा 1 में 5v बराबर 5×20, ये 4×3 = 12, 120। अब ये वी का मान आया कितना, 120/5, 5 से काटिए, 5×2 = 10, 5×6 = 20, तो ये वी का मान आपका आ गया 24, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यू का मान निकालना है, तो यू का मान कैसे निकालेंगे, देखिए u बराबर हमको मिल गया -5v। अब यहाँ लिखेंगे -5 और v का मान कितना है 24। अब ये गुणा कर लीजिए 5×6 = 20, 4×5 = 10, 2×12, तो -120 सेमी आ गया भाई। तो v का मान तो हमेशा माइनस में ही होता है, 120 देख लीजिए, ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। चलिए तो फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपका। हुँ, 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 हुँ,
कहाँ चल दी है जी, क्वेश्चन ये आया। चलिए अगला प्रश्न खुल जा जी। भारत किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वह दर्पण होगा समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक बात। क्या कह रहे हैं प्रश्न, समझ में आया आपको? कह रहे हैं कि ऐसा इनमें से कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु को निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है और दूर रखने पर उल्टा बनता है। तो समझिए, उत्तल, ये समतल दर्पण आपका जो है, इसमें वस्तु नजदीक हो या दूर हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा उल्टा ही बनता है ना? देखिए ना सामने, तो जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती जाएगी प्रतिबिंब दूर होता जाएगा, वैसे ही बनता है समतल दर्पण में ना, जिसमें चेहरा देखते हो। अब आपका अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण, तो समझिए अवतल दर्पण में क्या स्थिति है। ये आपका अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण ये आपका बन गया अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है, ये लिखिए फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है तो वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच में प्रतिबिंब बनता है, छोटा और वास्तविक उल्टा होता है। और जब वक्रता केंद्र पर आ गया तो वस्तु के आकार का बन गया वास्तविक और उल्टा होगा। अब फोकस और इसके बीच में, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो ये बनेगा वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वास्तविक उल्टा, लेकिन अब बड़ा बन गया। वक्रता केंद्र से नजदीक लाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा। फोकस और दर्पण के बीच में जब रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है आभासी सीधा। कैसा बन जाता है? आभासी, और ये सीधा हो जाता है। पीछे बढ़ाइए, आपका सीधा बन जाएगा, है ना? तो नजदीक ले आने पर सीधा बन गया, दूर रखने पर उल्टा बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी अवतल दर्पण यहाँ पे सही होगा। तो उत्तल दर्पण क्यों नहीं होगा? देखिए उत्तल दर्पण की क्या स्थिति है, उत्तल दर्पण की क्या स्थिति है इसको समझ लीजिए। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा एक ही प्रकार से बनता है, अभी हमने बताया है। ये जो समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, फोकस के सीध में, और प्रकाशिक वक्रता केंद्र के सीध में जो आएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी छोटा बनता है, सीधा आभासी छोटा बनता है, कहाँ, फोकस और दर्पण के बीच में। कोई डाउट तो नहीं रह गया होगा हमको लग रहा है। तो देखिए क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जैसे जैसे नजदीक ले आएंगे अवतल दर्पण के सामने, नजदीक ले आएंगे, नजदीक ले आएंगे तो प्रतिबिंब दूर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, लेकिन फोकस और दर्पण के बीच में इतना नजदीक कर दें कि फोकस और दर्पण के बीच में हो जाए तो आभासी और सीधा हो जाता है। इसका मतलब ये अवतल दर्पण ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न है आपके सामने, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, 12 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। चलिए लगाते हैं फिर इसको। क्या कह रहे हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु की दूरी यानी u बराबर 12 सेमी। ठीक है, तो u का मान तो हमेशा माइनस में ही रखते हो, रख लो। यदि वस्तु की ऊंचाई यानी O बराबर 2 सेमी, O बराबर 2 सेमी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी I निकालना है। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो 16 सेमी फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी भी दिया हुआ है, F बराबर 16 सेमी। ये उत्तल दर्पण है या अवतल? अवतल दर्पण, इसलिए माइनस में लिखेंगे। चलिए अब लगा के देखते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्रश्न इम्पोर्टेंट ही हैं। v का मान कितना लिखेंगे जी, वही तो निकालना है। f का मान कितना लिखना था, f का मान -16। अब ये बराबर, ये हो गया कितना, ला 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 ला। ये u का मान कितना है, -12। ठीक है, अब इस -12 को जब इधर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस में। तो 1/12 -1/16 बराबर 1/v। ठीक है, अब ये 48 हो गया लघुत्तम, 12 चौक 48 और 16 3 48,
एक बटे बी, तो एक बटे ये आपके आ गया 48 बराबर एक बटे बी। वी का गुणा एक में कर लीजिए, वी आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे आपका 48 सेम ही आया। ठीक है, वी का मान मिल गया। इसमें पूछ क्या रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो लगाइए यम बराबर होता है आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। अब ये होगा आई, निकालना है, ओ दो सेमी बराबर, ये फार्मूले माइनस होता है, तो माइनस वी का मान 48 और यू का मान माइनस 12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बार चौक 48 चार हो गया, तो गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो आई का मान आ जाएगा 8 सेमी। ठीक, तो चेक करिए कि क्या हमने सही लगाया है। ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी है 16, ठीक है 16 सेमी फोकस दूरी है। वस्तु कहाँ रखी गई है, वस्तु U बराबर U का मान 12, तो देखिए बीच में रखा है ना, तो सीधा ही बनेगा, है ना, फोकस और दर्पण भी सीधा बनेगा, देखिए यह आई का मान प्लस में आया है, मतलब सीधा ही बनेगा, तो 8 सेमी ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद 14वां प्रश्न ये लगा के देखिए, एक 10 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है। क्या कह रहे हैं, तीस सेमी वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, तो यह का मान यहाँ लिखेंगे हम लोग आर बटे दो, उत्तल दर्पण है तो यहाँ रख लीजिए 30/2, आर का मान 30 है रखेंगे तो आएगा 15, यह का मान 15 सेमी हो गया। ठीक, 15 सेमी दूरी पर जलती हुई मोमबत्ती रखी है, यू बराबर जो है ये 15 सेमी दूरी पर मोमबत्ती भी रखी गई है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, V का मान कितना होगा ये निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई, इसमें क्या है, ये V प्लस 1/U, तो F का मान देखिए बहुत ही इजी प्रश्न हो गया है ना, अब ऐसे ही पूछता है तो हम क्या करें, तो V ऐसे ही रखिए, तो प्लस 1/U का मान -15, तो -15 को उधर ले आइए प्लस हो जाएगा आपका, तो ये प्लस में 1/15 और फिर प्लस में 1/15, ये हो गया बराबर 1/V, तो आपका आ जाएगा 2/15, ये बन जाएगा 2/15 बराबर 1/V, तो V का मान आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 सेमी। ठीक है, ये 7.5 हो गया, तो 7.5 सेमी किधर बना है, ये धन में आया और क्या है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में पीछे ही बनेगा, पीछे बनेगा 7.5 सेमी दूरी पर, तो 7.5 सेमी दूरी पर पीछे ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अब दो सेमी ऊंची वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी दूरी पर रखी है, देखिए क्या कह रहे हैं कि दो सेमी ऊंची वस्तु है यानी O बराबर 2 सेमी। ठीक, अब दर्पण के सामने 1 सेमी दूरी पर रखी है, सेमी देखिए गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया था यहाँ, ये जो है 10 सेमी, कितना U बराबर 10 सेमी, 10 सेमी दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी F बराबर 15 सेमी, कौन सा दर्पण है, ये दर्पण है उत्तल यानी प्लस में होगा, प्रतिबिंब का आकार निकाल लीजिए, तो निकाल ही लेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, F का मान 15, V का मान ऐसे लिखिए प्लस 1/ ये -10 हो जाएगा, है ना, -10 इधर आया प्लस हो गया, 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/V, इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से V का मान निकालिएगा, M इज इक्वल टू आई अपान ओ वी अपान यू, इसमें रख देंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब
किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी। ये गर्मी बहुत ज्यादा यार। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, वस्तु उसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेमी दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर? 20 सेमी दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, ठीक। अब ध्रुव से 20 सेमी दूरी पर रखी है वस्तु, U बराबर 20 सेमी रख लीजिए। माइनस में वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। V का मान निकालना, ये भी आप लोग फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। चलिए हम भी निकाल लेते हैं। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F का मान कितना लिखेंगे? 10 बराबर 1/V निकालना है, और U का मान -20 रखेंगे तो आपका ये माइनस ही आ जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा। इसको इधर करेंगे प्लस बन जाएगा, 20 प्लस 1/10 बराबर 1/V। तो ये आपका LCM बनेगा कितना? 20। 20 से भाग दीजिए 1, 10 दूनी 20, तो 1/V। तो आपका आया 3/20 बराबर 1/V। तो V बराबर 20/3 काट दीजिए, 6.67, ठीक है। 6.67 प्लस में आया ना, तो अगर प्लस में आया है तो आभासी सीधा पीछे बनेगा भाई, आभासी सीधा पीछे बन जाएगा, आभासी सीधा पीछे, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 6.67 सब में दिया हुआ है, दर्पण के आगे तो बनेगा नहीं, दर्पण के पीछे ही बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्यों गायब हो जा रहे हो जी? अभी जाओ। ये 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यदि दर्पण के सामने हो तो, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम बता दे रहे हैं, बाकी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए, पीडीएफ दे दे रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम लिंक यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम पे जाकर के ज्वाइन करिए और इन प्रश्नों को लगाइए। जो प्रश्न ना आए उसको कमेंट में पूछिए और आंसर भी दीजिए, जितने प्रश्न आपको इसके बाद मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी लग रहे हैं, इसलिए जो है हम यहीं छोड़ दे रहे हैं इसको, आप लगाइए। इसको थोड़ा सा बता देंगे अभी, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि 10 सेमी फोकस दूरी, यानी F बराबर 10 सेमी, अब अवतल है तो माइनस हो गया, 5 गुना बड़ा बनेगा, M का मान कितना? 5 हो गया। अब प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो M बराबर होता -V/U, रख लीजिए, ये आपका हो गया 5 -V/U, तो गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा V बराबर -5U। अब देखिए V का मान U के रूप में मिल गया, F वही 1/F वाले फार्मूले में रखेंगे तो आपका यू वी में से ये यू का मान आ जाए, यू का मान यहाँ रखेंगे वी का मान आ जाएगा। तो दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं ना, जब यहाँ आप रखेंगे इसको तो यू का मान वहीं मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। तो देखिए ये आपके प्रश्न जो है क्रम से हैं, ये आपका देखिए ये 18वां, अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी इतनी है। अब इस प्रकार से ये प्रश्न सारे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिए क्रम से, ठीक है, और सॉल्व करके बताइएगा। और ऐसे तो जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम में जा करके आप वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से जा करके इन सारे प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान, इसे देखिए ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ईजी भी हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।